हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिर्च मसाला किचन में। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी। भाई, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे सिंपल, इजी, डिलीशियस और फटाफट से बनने वाला केक और बच्चों को देना चाहते हैं सरप्राइज, तो आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये रेसिपी। जी हाँ, बिल्कुल सुपर इजी और मिनटों में तैयार होने वाली ये हमारी रेसिपी को देखने के लिए चलिए देखने पड़ेंगे पर हमारे स्टेप्स कि ये बनेंगे कैसे। एक एक स्टेप को आप फॉलो करिए तो ऐसा ही स्पॉन्जी केक बिल्कुल रेडी होगा आपका भी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की हमारी रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक ये मोटे, जैसे आप देख सकते हैं, अच्छे मोटे तले की ये हमने कढ़ाई ली है। और इसमें हम डालेंगे नमक, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा नमक का कलर आप चेंज लग रहा होगा, पर ये नमक जो है मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। इस तरह से अगर आप भी यूज़ करें तो उसको फिर बाद में वापस आप रख सकते हैं दोबारा से। तो जब आपकी बेकिंग हो जाए तो आप ये सेम नमक को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो एक कंटेनर में इसे संभाल के आप दोबारा से सेव करके रख सकते हैं। तो अब हमने कढ़ाई में नमक डाल लिया है और इसको अब हम कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और इसे हम ढक के रख देंगे। अब हम अपने केक टिन को थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, अच्छे से ब्रश कर लेंगे इसको सभी साइडों से। और साथ ही लगा देंगे इस पे बटर पेपर। इस पे भी हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से इसको भी हम प्रॉपरली सब कॉर्नर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सारी साइड्स केक टिन की प्रॉपर। पूरा अच्छे से ऑयल से हमें पूरा ग्रीस करना है। बस अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें लेना है इस तरह से 3 पैकेट, ये पार्ले जी बिस्किट के पैकेट्स हैं। इसके अलावा आप कोई और भी पैकेट अगर घर में अवेलेबल है आप उससे भी बना सकते हैं सेम। तो आप ये, मैंने इधर ये 3 पैकेट लिए हैं। और अब मिक्सी के जार में या फिर चॉपर में, जिसमें भी आप इसको करना चाहें, आप इसको अच्छे से पीस लेंगे। हम इसे इस तरह से तोड़ के इनको डाल देंगे। ये मैंने 10 रुपये वाले पैकेट मैंने 3 लिए हैं। और अगर आप 5 रुपये वाले पैकेट लेंगे तो कम से कम 5 पैकेट आपको ये लेने पड़ेंगे। ये मैंने 10 रुपये वाले पैकेट जो है 3 पैकेट लिए हैं। अगर आप 5 रुपये वाले पैकेट लेंगे तो कम से कम 6 पैकेट आप इसमें यूज़ करें। तो अच्छे से तोड़ लें। अच्छे से तोड़ने के बाद इनको अब हम इसका पूरा अच्छे से प्रॉपर, हमें इसका पूरा एक पाउडर फॉर्म में इसको लेके आना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर बन चुका है। ये देखिए इसी तरह से हमें इसका हमें बना के रेडी करना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम ये सारा का सारा ये जो हमने पाउडर बनाया है उसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 कप, ये मैंने बूरा मिलाया है। आप पाउडर शुगर या चीनी को हम पीस के उसका भी हम ऐसे पाउडर बना के और वो यूज़ कर सकते हैं। तो 1/2 कप मैंने इसमें ये डाला है, अदरवाइज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें। अब इसको चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच कोका पाउडर, साथ ही 3 चम्मच इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल।
तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। आ रही है इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाने की, तो ये मेरे पास किशमिश है। सिंपल ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी आप डाल सकते हैं, या मिक्स्ड बेरीज मिलती है बाज़ार में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। काजू बादाम ये भी मैंने काट के रखे हैं, इनको आप भी छोटा छोटा काट के और यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट कलर्स की ये टूटी फ्रूटीज़ है, ग्रीन, येलो, रेड, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, इन्हें बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे आप पूरे अपने बैटर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे एक चम्मच ईनो, अगर ईनो नहीं आपके पास तो एक चम्मच आप इसमें बेकिंग पाउडर डालें और एक चौथाई चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा डालें। अब ये एक चम्मच मैंने लिया है, अदरवाइज़ एक पैकेट जो होता है पूरा जो शैशे होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से आप इस पर आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। अब बस फटाफट से हमें पूरा बैटर जो है अपना केक टिन में डालना है। और अब इसे हम अच्छे से टैप कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर भी इसे डेकोरेट कर देंगे। और इसे अब इसे हम जल्दी से फटाफट से कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई में आप एक इस तरह से प्लेट रख दीजिए, ध्यान से रखें क्योंकि ऑलरेडी ये कढ़ाई काफ़ी गर्म है, और जो हमारा मोल्ड है उसे भी आप आराम से रखें। और ऊपर से इसे ढक दें। लगभग 40 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसे हटा के देखेंगे। वाह, आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया ये अच्छे से बन चुका है। पर अभी हम इसे चेक करते हैं एक बार टूथपिक से, इसमें हम बीच में एक बार डाल के देखेंगे। ये देखिए, अगर ये बिल्कुल इस तरह से क्लीन आई है टूथपिक, तो इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है। तो बस इसे अब हम फ्लेम को कर देंगे हम बंद, और इसे अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये ठंडा हो चुका है, और अभी से हम प्लेट इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से प्लेट, और इसको हम उल्टा कर देंगे। बस इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसको टैप करेंगे, और ये देखेंगे आपकी बड़ी आसानी से ये केक हमारा निकल आया है। अब हम ये बटर पेपर भी हटा देंगे। ये देखिए, वाओ, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्पंजी केक, और बिल्कुल सिंपल और इजी टू मेक, बहुत ही इजी, सिंपल और बहुत ही डिलीशियस ये केक हमारा बनके रेडी हुआ है। आप देखिए बड़ा ही स्पंजी, ये देखिए हर तरफ से बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल जबरदस्त केक बनके रेडी हुआ है। ये लीजिए फ्रेंड, हमारा सुपर इजी, सुपर सॉफ्ट, डिलीशियस और मिनटों में बनने वाला ये हमारा बिस्किट केक बिल्कुल रेडी हो गया। और हाँ, अगर इस न्यू ईयर पे आप बच्चों को देना चाहते हैं सरप्राइज, तो ये केक तो बिल्कुल बनता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए।